भोजपुर जिला में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कुल 2662.125 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक ट्रक जब्त एवं इसमें संलिप्त एक शराब तस्कर गिरफ्तार। मद्य निषेध इकाई पटना से सूचना प्राप्त हुआ कि चंडीगढ़ हरियाणा से एक ट्रक UP12BT2394 में शराब माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के सत्यापन एवं अवैध शराब की बरामदगी तथा शराब माफियाओं के खिलाफ गिरफ्तारी हेतु अगोस्थाक्षरी के दिशा निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में ओपी था अध्यक्ष गिधा ओपी थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा गिधा SPG प्राइवेट स्कूल के सामने फोर लेन पर सघन वाहन चेकिंग जांच कर 6 चक्का ट्रक UP12BT2394 से 180 ml का 2400 बोतल एम्पीरियल ब्लू, 750 ml का 600 एम्पीरियल ब्लू एवं 375 ml का 1195 बोतल एम्पीरियल ब्लू तथा 180 ml का 2400 बोतल मैकडबल, 750 ml का 600 बोतल मैकडबल एवं 375 ml का 1200 बोतल मैकडबल कुल 2662.125 लीटर हरियाणा राज्य निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद किया गया तथा इसमें संलिप्त एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। सभी को बताना है कि भोजपुर पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में गिधा ओपी अंतर्गत जो टोल प्लाजा है उसके पास से जो है कल दिनांक 20 सितंबर 2023 को एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 चक्का ट्रक जो यूपी नंबर का है और उसमें अवैध जो है इस ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब की मात्रा भरी हुई है। उसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक सदर और गिधा ओपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और इस ट्रक को बरामद किया गया और इसकी जब चेकिंग की गई, चेकिंग में पता चला इसमें टोटल जब तलाशी ली गई तो 2662 लीटर अंग्रेजी शराब की मात्रा बरामद की गई और इसमें इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवेल दो ब्रांड की जो है शराब है, जो अलग अलग मात्रा में इसकी बॉटल है और एक मोबाइल जो अभियुक्त था गिरफ्तार उसके पास से बरामद किया गया और 6 चक्का ट्रक और अभियुक्त का नाम जो शराब तस्कर है भगीरथ राम, ये भुनिया थाना धनऊ जिला बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है और ये हरियाणा से लेकर आ रहा था। इस तरीके से भोजपुर पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।